सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय वन मोर वीडियो। सो ये वीडियो भी इस भी गई होने वाला है। इस वीडियो में आपको थोड़ा ग्रीनरी जंगल वगैरह दिखाने वाला हूँ और उसके बाद मैं सिटी में जाऊँगा, वहाँ के लोकल टाउन में जाऊँगा। ये पूरा वाइकिंग्स एरिया है, बहुत ही ओल्ड टाउन है। ये स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड है और सबसे जूना भी है। इसको हेरिटेज में इसका काउंट होता है, यूनिसेफ के हेरिटेज में कुछ 500 और 600 के बीच में इसका नंबर आता है। घर देखो यहाँ के, क्या खूबसूरत घर है। कलर घर का, घर के आजू बाजू जो रेसिडेंट है पूरा एकदम काम एरिया है। यू कैन सी देयर इज नथिंग विच कैन ट्रबल यू टू लिव हियर। सो अभी मैं सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ये फॉरेस्ट एरिया देखना था तो यहाँ मैं चलते जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा प्लेस है एक्चुअली। एक्चुअली मैं रास्ता भूल गया तो अभी मेरे को दूसरे रास्ते पे जाना था। ये देखो, चलो इधर से जाते हैं। चलो थोड़ा आपको फॉरेस्ट एरिया भी दिखा देता हूँ चलते चलते। ये विस्बी जो सिटी है, जो सिटी आइलैंड है, स्वीडन में सबसे बड़ा आइलैंड है, तो बहुत ही अच्छी जगह है। अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड टाउन की तरफ। ये जो पूरा ये वाइकिंग्स जो, अभी मैं चलते चलते आ गया हूँ ओल्ड टाउन में। ये पूरा सिटी को यूनेस्को हैंडल करता है क्योंकि यूनेस्को के अंडर आता है, क्योंकि काफ़ी हेरिटेज प्लेस है, इसलिए यूनेस्को में इसका आईडी समथिंग 722 है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो आपने वाइकिंग्स की मूवीज़ वगैरह देखी होगी, वाइकिंग सीरीज़ और नेटफ्लिक्स पे, और उसकी भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। कितनी जगह है ऐसी है। पता नहीं क्या है पर ये कोकोनट जैसा दिख रहा है। ये यहाँ के जो लोकल ड्रेस है वो है ट्रेडिशन ड्रेस बोलते हैं इसको। हेलो
Strawberries, berries, blueberries. बहुत ही प्यारे बच्चे दोनों। यहाँ लगता है स्ट्रॉबेरी की सीजन चालू है, जिधर देखो उधर स्ट्रॉबेरी मिल रही है। तो अभी मैं यहाँ हूँ, देख लो विस्बी।